श्रीकाल जी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमन जस्ट ब्लॉग्स। सो आज तुसी साडा पुराना ब्लॉग देखा होना टिम हॉर्टन्स वाला, ते ओदे विच असी पी के आए सी फ्रेंच वनीला, ते ओ बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड आ, हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब अफोर्ड कर भी सकता होगा ना, ता भी मैं तो यह कहूँगी भी इन्ने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन्नी कॉफी दे रही है। सो आप कुछ उदा का ही फ्रेंच वनीला टाइप ही ट्राई करन लगे हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, तो आप ट्राई करके देखांगे भी वो वाला टेस्ट ये आता है कि नहीं आता। मैनू तो उम्मीद यही आ भी जो मैं सोचा आ एज इट इज जिदा उदा टेस्ट होंगे फ्रेंच वनीला का, मैं उही वाला टेस्ट लैके आना आ। बाकी मैनू जस दसूंगे भी स्वाद बनती आ कि नहीं बनती। सब तो पहला तो मैं हाफ हाफ कप जिन्ना भी तुम है ना जिनी कॉफी पीनी है उन्ना दुध ले लो, पानी बिल्कुल नहीं पाना है, बिल्कुल भी नहीं पाना पानी। तो आप एक ये पा लें, और एक चीज़ का ध्यान रखियो जिहड़ा दुध है ना वह फुल क्रीम होना चाहिए आ, और मलाई नहीं कढ़ी होनी चाहिए। जे तुसी मलाई कट के बनाओगे तो फिर वह वाला टेस्ट नहीं आऊगा, फुल क्रीम मतलब फुल फैट वाला दुध होना चाहिए। आप इस दुध में गैस पर रख देंगे और गैस स्लो कर देंगे। तो इस साइड मेरे को थोड़ी जी मलाई आ, पतली वाली जी मलाई होंगी वह वाली आ, मलाई लई है मैं फ्रैश मलाई लैनी आ। वो लैके साढ़े को कॉफी नेस कैफे की तुम कोई भी यूज कर सकते हो, एक चम्मच कॉफी पा लेंगे आप क्योंकि अपने को दो कप अपना कॉफी बना रहे। तो इसको लेकर इसको हम बीट करेंगे। मैं थोड़ी जी बीट की तुसी देख सकते हो एक इदा कट्ठी जी हो गई है ना, अपन यही चीज़ चाहिए आ। तो हूँ आप करना इन दो मिनट लिए अद्धी रख देना आ, और इस साइड अपना दुध गर्म हो रहा है। दुध दे विच आपां शुगर जिनी तुसी लैने हो ना अपने हिसाब दे नाल वो पा सकते हो। जिदा असी नॉर्मल वाला मिठा पीने तो मैं ये दो चम्मच शुगर पा दूँगी, और दुध थोड़ा जहा गर्म हो चुका है। हूँ मैं ये गर्म दुध थोड़ा जहा, ज्यादा नहीं थोड़ा जहा कॉफी च पा के इनू चंगी तरह बीट करना है। ये जड़िया गठा बनी है ना उन्होंने रिमूव करना आप चंगी तरह। करने बाद देखोगे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो चुकी है। हुण आपां पावांगे वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस का ध्यान रखना प्योर वाला लियो ताकि टेस्ट अच्छा आए। वनीला एसेंस आपां पा देना है हाफ टेबल स्पून। हुण आपां एसेंस पाने तो बाद दोबारा बीट करांगे। इहदी ऑलरेडी खुशबू ना मैनूं आनी शुरू हो चुकी है, और कॉफी दे विच होर भी ज़्यादा खुशबू आऊगी, इहदी खुशबू भी इवन टेस्ट भी आऊगा। बस इहदे विच सब तो मेन चीज़ आ बीटिंग। तुसीं इहनूं बीट किवें करदे हो, बीट प्रॉपर करोगे तां ही टेस्ट अच्छा होगा। हुण आपां जिहड़ी बीट कीती कॉफी है इहदे विच मिक्स कर देंगे। थोड़ा जहा दुध दोबारा यही वाला दुध आप दोबारा पा के फिर बीट करांगे क्योंकि काफ़ी सारी कॉफी है जड़ी ये बाउल में लगी रह गई। पीनी लाने तो बाद हुण आपां प्रॉपर बॉयल करांगे। अपनी कॉफी रेडी हो चुकी है, तो आप हम फ्लेम नू ऑफ करके
इन्हें सर्व करने लिए तैयार है। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। मैं भी ब्लॉग रिचैट हो गया तो मैं हूँ कर लगा कॉफी ट्राई वनीला वाली। सो आप पी के आइए ना फ्रेंच वनीला। यस, तो हम आप पीवेंगे घर वाली वनीला। वनीला एसेंस पाके बनाई हुई है तेरी। केड़ी पाके? वनीला एसेंस। वनीला एब्सेंस की तां करके। एब्सेंस नहीं, एसेंस। मेरी कॉफी सुटेगा। पी के देख। मैं? पी के देख। स्वाद नहीं? वो तू ही दसूंगा ना। एक से फोर लो। दसरा भी यार। पी नहीं जानी। This is ultimate. बहुत ही कैंट मेरा हाथ सा वैसे निकल रहा है। ये जो वनीला एसेंस पाया ना, एसेंस वनीला एसेंस पाया ना, एसेंस एसेंस अल्टीमेट अल्टीमेट है। और अल्टीमेट है सच्ची यार। रिव्यू मैं दे रहा एक जैन मैंने बोला ना कि मेरे पिंपल है मैंने क्या बोलने लगे। मतलब मेरी कॉफी का मजाक उड़ाता है। मजाक नहीं उड़ाया। हाँ सच्ची है। मैं तुम्हें एक गल दसना चाहना है। अभी मजाक ही उड़ता पे लोगों ने कहना ना क्यों हो गया मुंडे। अच्छा कॉफी दे आने हैं। कॉफी थी सी यही पहले भी यार मेरे रिव्यू सुनो। कॉफी थन लगी है। अच्छा कॉफी दें। कॉफी का टेस्ट मैं तुम्हें कला कला करके दसदा जिदा मैं तुम्हें टिम होटल दसा जी। सीरीयसली जिन्हें जिन्हें कॉफी पीनी ना ये वाली वो इनवाइटेड है सारे पहला तो ठीक है। बाकी मेरी घर वाली बना के पियो पता नहीं। हाँ जी जान कॉफी बाकमाल है। बहुत ही कैंट अल्टीमेट है। जिवें कि वह वनीला का टेस्ट बहुत घेंट आ रहा। सीरीयसली जो आप कहते ही फ्रेंच वनीला टिम हॉटन पीती सीरीयसली एक्चुअल हूँ टेस्ट आ रहा है। एक्चुअल हूँ टेस्ट आ रहा है। तो बहुत ही घेंट मिठा बहुत घेंट जी क्रीम पाई है ना। क्रीम नहीं मलाई मलाई पाई ना। हाँ सॉरी जी इन्होंने मलाई पाई है वह बहुत ही घेंट लगती पी और बिल्कुल खिल के टेस्ट आ रहा है। जो आप एक सिप लैने ना पूरा प्रॉपर वनीला का टेस्ट भी आ रहा है। मलाई का भी आ रहा है। कॉफी का प्रॉपर आ रहा है। और यार शुगर भी बिल्कुल सही है। सो सॉरी 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 सीरियसली मैं कॉफी का बहुत वड्डा फैन हाँ। मैं सारे दसदा इन्होंने भी पता है मैं कॉफी का बहुत वड्डा फैन हाँ। सो मैनू कॉफी मैं बड़ी घट जगह पर पीना कॉफी जिसे मैं पता भी कि हाँ यार स्वाद बना बंदा कि सो जो पहली रील बना के मैंने पिंदा उत्तर मैं 50-50 हूं कि चल पी के देखदा जी स्वाद होगी नैक्सट टाइम मेरे को पिया करा बने जाया करा कहीं पिया करा है ना। तो अमन में चिल के आ रहा क्योंकि मेरा रिव्यू सगा बट सीरियसली बहुत स्वाद सीरियसली बहुत घंट टेस्ट आ रहा। ये जे कि सोचोगे कि स्टारबक्स मैं तुम्हें पहला भी दस सकें कि जी घर वाली कॉफी होंगी ना मेरी दी मैं बहुत बड़ा फैन है कॉफी का। तो जी बीट की सारा कुछ यार बहुत घेंट आ क्योंकि एक मैं बंदे का अंदरों मन भी होना चाहिए ना। एक गल सची है ना अंदर भी अंदरों भी बंदे का मन होना चाहिए कि यार मैं इनू बना के पिलानी है तो वधिया तरीके पिलानी है। तो एक तारी होर खासियत है कि जिदा मैं उत्थे पीती तुम पहला दसा है मैं भी उन्होंने टेस्ट नहीं आता है ना। एक होर चीज़ है कि कच्ची कच्ची नहीं लग रही जिदा ना उत्थे की गा चंगी तरह घुली नहीं बट प्रॉपर पी के पता लगता कि हाँ यार दूध च कॉफी पी रहे हैं।
ਸੋ ਕੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਨੀਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਬਸ ਵਨੀਲਾ ਐਬਸ ਐਡਸੈਂਸ ਲਿਆਓ ਐਸੈਂਸ ਵਨੀਲਾ ਐਡਸੈਂਸ ਲਿਆਓ ਐਸੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਨੀਲਾ ਆ ਯੈਸ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਨੀਲਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਕੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਨੀਲਾ ਹੈ और बीवी के हाथ की फ्रेंच वनीला है भाई साहब जिन्होंने पीनी है वो शादी करवा ले जल्दी जल्दी जो सिंगल है सही बात है ना हाँ जी तो सीरियसली बहुत कैंट ही चलो मजा आ गया एक्साइट बट तुम ट्राई कर सकते हो करे क्योंकि बाहर पैसे फूकने वालों चंगा है असी फूक के आए हैं बट अही एक ट्राई देना ही रिव्यू देना है सारे कि किमें दी है किमें दी नहीं बट जो घर च टेस्ट है ना क्योंकि अलग अलग चीज़ें आप पहला कुल्हड़ पिज्जा भी पहले असं खान चले सके बट ये नहीं खा के आए ट्राई किया बहुत कैंट बनया मम्मा ने ट्राई कराया भी बहुत कैंट कैंट बनया बट हूँ अं फ्रेंच वनीला ट्राई की यह भी बहुत कैंट बनी क्योंकि आप चाहते हैं कि हाँ जो आप नहीं खाधा जो आप नहीं ट्राई इन्होंने ट्राई की पहले फ्रेंच फ्रेंच वनीला तो मैं नहीं ट्राई की मैं भी देखा कि यह जो टिम हॉर्टन बट नहीं है जो बीवी के हाथ में है ना वो भी सब कुछ है टिम हॉर्टन में नहीं है सो साडा ब्लॉग इन्ना कि ही तो जे साडी गल्लां वधिया लगियां लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो तो कॉफ़ी भी ट्राई जरूर करो तो सानू दस्यो भी जरूर कि तुहाडी फ्रेंच वनीला किवें दी बनी साडी तां बड़ी कैंट बनी तो बहुत वधिया टेस्ट आ रहा वनीला दा जिहड़ा टेस्ट आ रहा ना वह कैंट आ रहा है कि नहीं हाँ जी मेन ओही है वनीला का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा कैंट है और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखियो लास्ट दे विच अज दी टिप एक तो मैं थोड़ा पहले ही दस चुकी हूँ भी जो मिल्क है फुल फैट मिल्क लेना है सैकेंड वनीला एजेंस बहुत ज्यादा भी नहीं पा देना बहुत घट भी नहीं पा देना उनू एक बैलेंस्ड तरीके ना पाना है क्योंकि उन्हें ही मेन टेस्ट इक्वल इक्वल करके पाना ना जिद्दा जिद्दा मैं दो कप दे विच मैं हाफ टेबल स्पून पाया सी तुसी चार कप दे विच तुसी एक टेबल स्पून पा सकते हो और ओरिजिनल होवे ता ज्यादा हां जी ये भी बहुत वधिया गल है कि जेड़ा ओरिजिनल होवे ता ही टेस्ट डब खेल के आएगा यस सो साडा ब्लॉग आ ता इन्ना कि सो लव यू वाइफ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਨੀਲਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਨ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਖੜਾਵਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।